देखिए, हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। ये इसको बनाने का दो मेथड होता है। एक होता है, पहला अगर आपको बनाना हो तो इसको फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाते हैं, जिसमें कि केवल और केवल पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और अगर इसको फिक्स्ड वाइज बनाना होगा, फिक्स्ड कैपिटल पे, तो इसमें करंट अकाउंट बनाया जाएगा पहले, उसके बाद इसका कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। देखिए, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पहला जो अकाउंट होता है वो होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, तो सबसे पहला इसमें लिखते हैं हम लोग बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। बाई बैलेंस बीडी जो आपका आएगा, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि बाई बैलेंस बीडी जब भी हम लोग लिखेंगे तो कैपिटल अकाउंट तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हम लोग तो बना नहीं रहे, हम लोग बना रहे करंट अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट का बैलेंस पहला हो जाएगा आपका, ठीक है, जो ओपनिंग बैलेंस होगा, जो दिया हुआ बैलेंस में। उसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, ठीक है। उसके बाद होगा आपका बाई सैलरी, मतलब जो पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा उनके पार्टनर के सैलरी में डाल दिया जाएगा। फिर बाई कमीशन, जिस पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा। और बाय पी लेवल प्रेशर अकाउंट, देखिए जब इसके पहले जो अकाउंट बनाए होंगे पी लेवल प्रेशर, उसमें प्रॉफिट आएगा तो हम लोग यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। इसके बाद आता है बाय रिजर्व फंड, ठीक है। जो रिजर्व फंड आया होगा उसको, रिजर्व फंड को हम लोग जो जो प्रॉफिट दिया होता है, प्रॉफिट सेविंग रेशियो, उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया क्रेडिट साइड का आइटम। अब आता है डेबिट साइड का बारी। डेबिट साइड में सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा टू ड्रॉइंग, उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यदि अब इसके बाद अगर पार्टनर्स कैपिटल में, ये सॉरी पीएल ऑपरेशन में अगर अगर लॉस हुआ होगा तो उसको मेंशन करेंगे। इसके बाद हम इसका हम लोग बैलेंस करेंगे, जो बैलेंस आएगा उसका बैलेंस शीट में मेंशन कर दिया जाए। देखिए, अब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने के बाद बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल की। तो इसका फॉर्मेट समझते हैं एक बार, ठीक है। तो देखिए, ये आपका जो फॉर्मेट होगा, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट पता ही है। देखिए, बाय बैलेंस बिल्डिंग, अब देखिएगा ध्यान रखिएगा, अब हम लोग बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे कैपिटल अकाउंट का जो आपका जो बैलेंस होगा, ठीक है उसको। और देखिए, यहाँ पे बाई बैंक से जो हम लोग शो करेंगे, तो ये एडिशनल कैपिटल होता है। लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चंस में कि शुरू शुरू के, क्योंकि ये देखिए शुरू का चैप्टर होता है, तो इसमें समझ नहीं पाते हैं कि एडिशनल कैपिटल का क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये न्यू कैपिटल का मेंशन किए हैं। इसका मतलब होता है एडिशनल कैपिटल, ठीक है। मतलब ऐसा कैपिटल जो कैपिटल के बाद लाया जाता है, मतलब इसको सेकंड कैपिटल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड कैपिटल आपका यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसके बाद अब इसमें कुछ नहीं होता है, यहाँ पे इसका क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको टोटल कर लेंगे, और टोटल को यहाँ करके इसका बैलेंस कर लेंगे, ठीक है।